हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो पाइथन की है और पाइथन में हम सीखेंगे टेबल प्रिंट कराना। टेबल प्रिंट कराने को लेकर के जब मैंने क्वेश्चन दिया था आज अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, तो कंफ्यूजन बच्चों को इस बात को लेकर हो जा रही थी कि सर लिखेंगे कैसे, यूजर की मदद से कैसे एंटर कराएंगे। तो चलिए आइए वही दिखाता हूँ, आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आइए पाइथन की आईडी को ओपन कर लेता हूँ। ये पाइथन की शेल है, यहाँ पर हमें कोडिंग नहीं करनी, यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, हम खुद से बनाएंगे अपना कोड। तो ये पाइथन शेल से हम आ गए फाइल पर और न्यू फाइल ले लिया। अब यहाँ पर वो कोड हमें टाइप करना है जिस कोड को लिखने से हमारा प्रोग्राम चलेगा और टेबल प्रिंट होकर आएगा। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ए इंट और फिर इनपुट। इंट इसलिए लिया है, इंट यहाँ पर इसलिए ले लिया है क्योंकि टेबल जब आप एंटर करोगे तो वो होल नंबर होगा, इसलिए इंट ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे एंटर द टेबल ऑफ आर रिलेटेड नंबर, ये कर दिया हमने और क्लोज किया, ठीक है। और क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आ गए, यहां पर लगा देते हैं फॉर लूप। तो एक फॉर लूप लगाया हमने, फॉर आई इन रेंज का प्रयोग करेंगे, रेंज एक माइनस करके देता है तो हम रेंज ही लगा लेते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, मैंने लगा लिया है, ठीक है। 1, 11, अब यहाँ पर 10 दे देंगे तो क्या होगा, 10 दे देंगे तो 9 तक ही टेबल प्रिंट होगा, तो इसीलिए 11 लगाया। और यहाँ पर कोलन लगाना मत भूलिएगा, इंटरफेस कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही आइएगा आप, तो यहाँ पे प्रिंट लिखता हूं। अब चूंकि हम चाहते हैं कि 1 × 2 × 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे टेबल प्रिंट होकर आए, दैट्स वाई ये सिचुएशन लगा रहा हूं, ऐसा मैं लिखने जा रहा हूं। तो यहाँ ए लिखा है हमने, कॉमा दिया, अब इंटू का साइन लग के आए तो इसीलिए इंटू भी लगा दिया, कॉमा दिया। अब इसके बाद फिर आई, ठीक है, आई लिख दिया, कॉमा दिया। अब यहां पे लेना है ए इंटू आई, ए इंटू आई लिखने से क्या होगा कि टेबल जो है उसी फॉर्म में प्रिंट होकर आएगा। तो ये हमने कर लिया, एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, इसको आप लिखिए और इसके बाद अब इसको सेव करने जा रहा हूं। तो ये सेव कर रहा हूं, इसको सेव, इसको करता हूं TB2 TB1 ऐसे कुछ कर देता हूं। तो यहां लिख दिया TB2.py लगाना जरूरी क्योंकि पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये लगा दिया हमने। हमारा प्रोग्राम बनकर के तैयार हो चुका है, अब इसको बारी है रन करवाने की। आप कीबोर्ड से रन करवाने के लिए F5 बटन भी प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर रन पे जाके और रन मॉड्यूल पे भी कर सकते हैं क्लिक। चलिए हम F5 बटन ही कर लेते हैं प्रेस। तो यहाँ से F5 प्रेस किया, अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर द टेबल ऑफ रिलेटेड नंबर। अब किस नंबर से टेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 का स्टार्ट करना चाहते हो, 2 लिखा, एंटर प्रेस किया, ये देखिए 2 का टेबल आपके सामने हाजिर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चाहते हैं फिर एक बार इसको रन करवाया जाए, तो रन करवा लिया। इस बार क्या करता हूं, इस बार हम कोई और टेबल लेते हैं, जैसे हम टेबल चाहते हैं 17 का। तो ये देखिए, ये 17 का टेबल है कि नहीं, तो ये इजिली आप कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। अगर यहाँ पे एक गलती हमसे ये हो गई है कि यहाँ पे भी हमने इंटू लगा दिया है और ये इंटू लगा दिया, यहाँ पर हमें लगाना चाहिए था इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू लगा लीजिए आप, बस हो गया काम आपका। और यहां से सेव कर लीजिए, इंटू आ रहा है तो इज इक्वल टू कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ना एंटर द टेबल ऑफ रिलेटेड नंबर ऑफ 7 का टेबल, तो ये देखिए अब इज इक्वल टू आ रहा है, तो यहाँ पे 7 × 1 इज इक्वल टू 7 इस तरह से करके आएगा, ठीक है। ये स्टार हट गया, स्टार सिंबल जो आ रहा था ये हट गया, ठीक है। फिर इसको एक बार रन करवाता हूं यहां से, तो अब देखिए ये आ गया। अब मान लीजिए हम एंटर करवाना चाहते हैं 18 का टेबल या 19 का टेबल, तो ये देखिए 19 का टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजिली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।